हेडिंग डाल लीजिएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ए बच्चा हेडिंग डालो न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या होता है भैया न्यूक्लियर पावर प्लांट? न्यूक्लियर पावर प्लांट सेम सिद्धांत पर कार्य करता है किसके? थर्मल पावर प्लांट के, क्योंकि इसमें भी ऊष्मा ही उत्पन्न कराई जाती है और हीट का एक्सचेंज कराते हैं, बस यही होता है आपका। इसमें क्या लगा होता है? इसमें एक नाभिकीय रिएक्टर होता है, एक एटॉमिक रिएक्टर होता है, जिसको नाभिकीय रिएक्टर के नाम से जानते हैं। ये दिख रहा है आपको भैया नाभिकीय रिएक्टर। इस नाभिकीय रिएक्टर में होगा क्या? यूरेनियम थोरियम या प्लूटोनियम के ऊपर क्या किया जाएगा? न्यूट्रॉन की बमबारी की जाएगी। जब जैसे यूरेनियम के ऊपर हम न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे, तो यूरेनियम के ऊपर जब न्यूट्रॉन की बमबारी होगी, तो उस कंडीशन में आपका क्या पैदा होगा? बेरिलियम पैदा होगा, और बेरिलियम के साथ साथ क्रिप्टॉन पैदा होगा आपका, और उसके साथ तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे, और प्लस क्या पैदा होती है आपका? एनर्जी पैदा होती है। इसी एनर्जी को कहां देते हैं हम? तो इसी एनर्जी को हम देते हैं यहां से किसको? आपका ये यहां पर देते हैं, यानी हमारा जो आने वाला वाटर है, यहां से आप देखेंगे तो एक नदी दिख रही है आपको, ये नदी। इस नदी से क्या है भैया? इस नदी से यहां से वाटर पंप लगा हुआ है। ये वाटर पंप क्या कर रहा है? पानी को उठा रहा है, उठा रहा है पानी को। यही पानी इस वाटर पंप से होते हुए कहां पहुंचे आपका? कंडेंसर। और कंडेंसर से फिर होते हुए कहां पहुंचे? तो ये फीड वाटर पंप में पहुंच रही है। मतलब यहां से पानी को क्या किया जा रहा है? फीड किया जा रहा है। किसको फीड किया जा रहा है? तो जो ये लगा हुआ हीट एक्सचेंज है, इसमें आपका पानी को हम भेज रहे हैं। पानी किसमें भेज रहे हैं? हीट एक्सचेंज में भेजा जा रहा है। तो यहां पर आपका क्या भैया? ये नदी से पानी उठाई जाएगी, नदी से पानी वाटर पंप के द्वारा उठी, और यही पानी यहां से होते हुए फीड वाटर पंप के द्वारा, यानी पानी को खींच करके फोर्सली इसके अंदर भेज दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा यहाँ क्या है? पानी इकट्ठा है ना भाई, पानी इकट्ठा। अब इसी पानी के बीच में से किसको गुजारा जा रहा है? इसी पानी के बीच में से गुजारा जा रहा है ये जो आपका नाभिकीय रिएक्टर है। इस नाभिकीय रिएक्टर में आपका यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी करके जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है, इसी एनर्जी को यहां से भेजा जा रहा है। जब ये एनर्जी यहां से होकर के गुजरेगी, यानी इस पानी के अंदर से होकर के गुजरेगी, तो पानी के अंदर से जब कोई एनर्जी गुजरेगी, तो वह क्या करेगी आपका? इस पूरी पानी को किसमें कन्वर्ट कराने की कोशिश करेगी? भाप में कन्वर्ट कराने की। क्योंकि भैया जब कहीं से हीट होकर के गुजरेगा, और वो पानी है, पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर से हीट जा रहा है आपका, तो जाहिर सी बात है पानी के जितने भी कण होंगे, वो अपनी अंदर की एनर्जी को दी गई ऊर्जा बराबर ली गई ऊर्जा, ऊर्जा का आदान प्रदान करेंगे, हीट का एक्सचेंज करेंगे। यानी इसके अंदर गर्म एनर्जी आ रही है और यहां से ठंडी पानी है, दोनों आपका अपनी एनर्जी को एक जैसा करने चाहेंगे, और एक जैसा करने के लिए क्या करेंगे भैया? ये अपने एनर्जी को इस पानी को देगा, तो ये पानी किसमें कन्वर्ट होगी? भाप में कन्वर्ट होगी। यही जो यहां पर भाप कन्वर्ट आपको दिखाई दे रही है, यही भाप यहां से कहां भेजा जाएगा? स्टीम वाल्व के माध्यम से स्टीम टर्बाइन पर भेजा जाएगा। जब टर्बाइन की ब्लेड पर यही भाप पड़ेगी, तो टर्बाइन की ब्लेड को क्या करेगी? घुमाएगी। जब टर्बाइन की ब्लेड घूमेगी, तो मैकेनिकल एनर्जी पैदा करेगी, और जब मैकेनिकल एनर्जी पैदा होगी, तो यहां पर लगा हुआ क्या भैया? अल्टरनेटर। ये मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कराएगा आपका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराएगा, और वही पावर सप्लाई हम ले लेंगे यूज के लिए। इसमें स्टीम वाल्व लगा हुआ है, तो ये स्टीम की गति को धीमा और तेज करने के लिए लगा होता है। स्टीम की गति को बढ़ाने और घटाने के लिए क्या लगा हुआ है? स्टीम वाल्व लगा हुआ है। जब यही आपका क्या होगा भैया? जब फोर्सली आपका आएगा क्या? स्टीम भाप आएगी, टरबाइन के ऊपर पड़ेगी, तो टरबाइन के ऊपर जैसे ही भाप पड़ेगी, टरबाइन की ब्लेड को घुमाएगी, तो उस स्थिति में ये आपका इसकी जो गति है, भाप की जो गति, वो कम हो जाएगी। भाप की जब गति कम होगी, तो इसी भाप को खींच करके कंडेंसर में लाएंगे, और कंडेंसर में इसी को क्या करेंगे? भाप को पानी में कन्वर्ट करेंगे। जब भाप पानी में कन्वर्ट होगी, तो वही पानी जो यहां से निकलेगी, तो वो भाप वाली पानी है, तो गर्म होगी हल्की सी। उस गर्म पानी को कूलिंग टावर में से गुजारेंगे, और कूलिंग टावर में से होकर के जब पानी जाएगी, तो वो पानी को क्या करेगी आपका? ठंडा करेगी। तो ये प्रोसेस होता है किसका? आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट का। बताओ बहुत कठिन है का थर्मल पावर प्लांट? नहीं, ना थर्मल पावर प्लांट कठिन है, ना न्यूक्लियर कठिन है, ना आपका हाइड्रो पावर प्लांट कठिन है। इससे एक ना एक क्वेश्चन आ गया, तो पांच नंबर का काम तो अपने से हो जाएगा। बस फिगर याद होना चाहिए। फिगर में क्या हो रहा है? फिगर में बस इतना ही हो रहा है कि बस इसके ऊपर यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी कर रहे हैं, हीट उत्पन्न हो रहा है, उसी हीट को यहां पर ले जा करके एक चैम्बर में दे रहे हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, वो पानी को गर्म कर रहा है, पानी को गर्म करके भाप में बदल रहा है, वही भाप यहां से चली जा रही है स्टीम टर्बाइन में। तो यहां से यहां तक का प्रोसेस जो है, ये यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस कहां का है? ये पूरा प्रोसेस, ये थर्मल पावर प्लांट। थर्मल में क्या इसका यूज नहीं हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था।
थर्मल में भी क्या होता, नदी से पानी उठा रहे थे, नदी से पानी उठाने के बाद यहां से पानी जा रही थी फीड वाटर के द्वारा इसमें चली गई, और यही जब टरबाइन के ऊपर भाप पड़ रहा था तो भाप पड़ने के बाद क्या करते थे, टरबाइन पे ब्लेड पे आ रहा था, टरबाइन की ब्लेड को घुमा रहा था, जब टरबाइन की ब्लेड घूम रही थी तो वही अपनी क्या करता है भाप को किसको दे रहा था, कंडेंसर को, कंडेंसर भाप को जो आ रही थी वो पानी को ठंडा कर रहा था, पानी को ठंडा करके कहां भेजा जा रहा था, कूलिंग टावर में, सॉरी भाप से पानी में कन्वर्ट हो रहा था, कहां, कंडेंसर में, और इस पानी के अंदर गर्मी होगी, उस गर्मी को निकालने के लिए कूलिंग टावर भेजेंगे, और फिर उस पानी को कहां भेजेंगे, रिवर में भेजेंगे। तो यही पुराना प्रोसेस ही, तो बहुत ज्यादा थोड़ा है, याद थोड़े करना है इसमें, और यही आपका इसमें एक एक एटॉमिक रिएक्टर, ये हीट एक्सचेंज, ये हीट एक्सचेंज, स्टीम वाल्व, स्टीम अल्टरनेटर, कंडेंसर, वाटर पंप, कूलिंग टावर, इन्हीं का एक एक पॉइंट करके पूरा आप कॉपी में लिख डालिए, हो गया, फिगर यही रहेगा, हार्ड थोड़ा है कुछ भी, ठीक। तो इसको कर लीजिए, आपके पास वीडियो होगा ही, जितना बताए हैं एक एक आप अपने से पूरा लिख डालिएगा, ठीक। हाँ भाई, एक चीज और ध्यान दीजिए, तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। अगर आपसे एग्जाम में एक और चीज पूछ देता है कभी कभी, क्या पूछ देता है, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट में अंतर, तो ये क्या है भैया, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट में क्या है, अंतर है, ठीक। तो ये अंतर भी अपना लिख लीजिएगा, इधर वाला मत लिखिएगा, डीडीएल बिजली घर का मत लिखिएगा, ये वाला ये मत लिखिएगा, बस कितना लिखना है आपको, यही इतना लिखना है, यही इतना आपको क्या करना है, लिखना है बस यही, ठीक, इसको लिख लीजिएगा अपने वाले कॉपी में।